अरे आज तो होली है, आज तो भांग पियेंगे भांग। दोस्तों, होली में बड़े लोगों का एक दूसरे को भांग पिलाना और कॉलेज लाइफ में टीनेजर्स का एक दूसरे को वीड पिलाना एक ही बात है, क्योंकि गांजा, वीड, कैनबिस, मैरवाना ये सारी एक ही चीजें हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गांजे के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और गांजे से लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो आइए मैरवाना के इफेक्ट्स जानने से पहले अपन ये जानते हैं कि मैरवाना किस चीज से बना है और वो अपनी बॉडी पे कैसे काम करता है। दोस्तों, मैरवाना इज अ हर्ब दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज कैनबिनॉइड। अब कैनबिनॉइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर टेट्राहाइड्रोकैनबिनॉल होता है, विच इज कॉमनली नोन एज THC, और THC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई दैट एनी पर्सन गेट्स व्हेन ही इज इनहेलिंग और इंजेस्टिंग मैरवाना। फ्रेंड्स, मैरवाना अपने बॉडी के जो सेल वॉल्स होते हैं उसके ऊपर दो रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है, और वो जो दो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम है कैनबिनॉइड 1 एंड कैनबिनॉइड 2, और ये दोनों रिसेप्टर्स का नाम उनके प्लांट के ऊपर से रखा गया है। कैनबिनॉइड 1 यानी कि CB1 वो जो होता है वो शॉर्ट टर्म और साइको इफेक्टिव इफेक्ट्स लाता है अपनी बॉडी में, और CB2 जो दूसरा कैनबिनॉइड है वो अपनी बॉडी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाता है। मैरवाना के यूज से अपनी बॉडी के अंदर टॉलरेंस आ सकता है। टॉलरेंस से मेरा ये मतलब है कि अगर अपन को मैरवाना का सेम वो हाईनेस वाला इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए और ज्यादा मैरवाना की जरूरत होती है बॉडी को। इसलिए कई बार आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कि यार आजकल मेरे को वीड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे को वो हाई नहीं मिलता, तो फिर उसको और ज्यादा वीड का कंजम्पशन करने की जरूरत पड़ती है। सो ये जो मैरवाना का टॉलरेंस इफेक्ट होता है वो CB1 के इंटरनलाइजेशन से होता है। इसका मतलब जो CB1 है वो सेल वॉल के अंदर चला जाता है और वो THC के कॉन्टेक्ट में आता ही नहीं है, इसलिए उसको THC के कॉन्टेक्ट में आने के लिए और ज्यादा बॉडी के अंदर THC लेवल की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैरवाना के कंटिन्यूस यूज से एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है अपनी बॉडी में और बॉडी को फिर ज्यादा मैरवाना की जरूरत पड़ती है। मूविंग फॉरवर्ड, आइए हम देखते हैं मैरवाना के सबसे पहले क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैरवाना इज पुअर मेमोरी रिटेंशन। इफ अ पर्सन इज यूजिंग मैरवाना कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो अपनी मेमोरी में काफी सारी चीजें स्टोर नहीं कर पाता और वो काफी बार भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसने तुरंत घड़ी पे अपना टाइम देखा है कि अभी टाइम क्या हुआ है और 5 मिनट बाद उसको रियलाइज होता है कि अरे यार मुझे तो टाइम पता ही नहीं कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मैरवाना से। मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, स्पेशली 18 एज के बिलो के जो चिल्ड्रन होते हैं वो अगर मैरवाना का यूज करते हैं तो उनके ऊपर मेमोरी रिटेंशन पावर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है फ्रेंड्स कि मैरवाना से अपन को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर एनी टाइम अनइवन रहता है, यानी कि कभी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कभी वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर इंजरीज आ सकती है और उन कार्डियोवैस्कुलर इंजरीज से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो मैरवाना का सबसे ज्यादा डेंजरस नेगेटिव इफेक्ट यही है कि कोई भी बंदे को हार्ट अटैक जल्दी आ सकता है, यानी कि ही इज मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। मैरवाना का थर्ड नेगेटिव इफेक्ट ये है कि वो मेन में 5% से टेस्टोस्टेरोन लेवल घटा देता है और वही सेम चीज वुमेन में 5% से बढ़ा देता है, यानी कि वो हमारे हार्मोन्स लेवल्स में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस ले आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पाते। फोर्थ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैरवाना इज इट शॉर्टन्स योर अटेंशन स्पैन। इसका मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि आप किसी की बात सुन रहे हैं तो ज्यादा देर तक अटेंशन देके उसकी बात नहीं सुन पाते या सुन लेते हैं तो आप समझ नहीं पाते। फिफ्थ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैरवाना इज डेवलपिंग साइकोसिस। साइकोसिस से मेरा ये मतलब है कि किसी भी इंसान को इल्यूजन या हेलुसिनेशन दिख सकता है और वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है। जो मैरवाना के रेगुलर यूजर्स है उनको काफी बार रियलिटी का पता ही नहीं चलता,
इसका मतलब वो अगर किसी सिचुएशन में है तो उनको नहीं पता चलता कि वो रियल है या फिर वो एक इल्यूजन। फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मैरिजुआना ऑन आवर बॉडी इज इट एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर। दोस्तों मैरिजुआना लेने के बाद काफी बार बॉडी का जो स्ट्रेस है माइंड में या अपने नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रेस चल रहा होता है वो काफी सारा कम हो जाता है। बिकॉज एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसके अंदर अगर मैरिजुआना इंजेक्ट होता है तो वो सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है। इसी तरह मैरिजुआना के अंदर सीबीडी करके एक सब्सटेंस होता है जो एक पेन किलर की तरह एक्ट करता है। इसीलिए काफी बार आपने सुना होगा कि कुछ एथलीट्स होते हैं जो उनका जो स्पोर्ट इवेंट होता है उस इवेंट के बाद मैरिजुआना इंटेक करते हैं जिसकी वजह से उनका जो मसल का या बॉडी का पेन है वो काफी कम हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज मेडिकेटेड पेन किलर्स कंटिन्यूसली लेना बॉडी के लिए ठीक नहीं है और उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए काफी सारे एथलीट्स हैं जो ये मैरिजुआना जो कि एक नेचुरल तरीका है पेन किल करने का उसको प्रेफर करते हैं। थर्ड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मैरिजुआना इज इट एक्ट एज अ एंटी डिप्रेसेंट। फ्रेंड्स काफी लोगों को पीटीएसडी की बीमारी होती है जिसका मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो पीटीएसडी वाले काफी सारे लोग मैरिजुआना लेने के बाद डिप्रेशन फ्री फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो डिप्रेशन है वो चला गया है या फिर उनको काफी एक यूफोरिया मोमेंट फील होता है यानी कि वो एक्साइटेड फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। सो मैरिजुआना एक एंटी डिप्रेशन का भी काम करता है। फोर्थ बेनिफिट ऑफ मैरिजुआना इज इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स। जानते हैं कि कैसे वो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करता है। फ्रेंड्स जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो एक प्रोसेस होती है कीमोथेरेपी करके। तो कीमोथेरेपी से आपकी जो एपेटाइट है आपकी जो बॉडी का डाइट है वो काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी एकदम पतली हो जाती है और जो भी कैंसर पेशेंट होता है कीमोथेरेपी के वक्त उनकी बॉडी का हेल्दी रहना और नॉर्मल वेट रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैरिजुआना के इंटेक से एक इंसान को काफी भूख लगती है और उसका एपेटाइट बढ़ जाता है, इसलिए कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट करने में मैरिजुआना काफी हेल्पफुल है। अदर नॉन बेनिफिट्स ऑफ मैरिजुआना आर इट हेल्प्स इन नॉजिया, ग्लूकोमा, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, सीजोफ्रीनिया, सीजर्स, क्रॉन्स डिजीज, मसल स्पाजम्स, पीटीएसडी और एंजाइटी अटैक्स। फ्रेंड्स मैरिजुआना के काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपने देखे और काफी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, मैरिजुआना जब भी हम स्मोक के फॉर्म में लेते हैं यानी कि जॉइंट बना के लेते हैं या कोई भी ऐसा तरीका जिसमें हम उसको स्मोक करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो हमारे लंग्स में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एंड आर लंग्स आर मेड फॉर ऑक्सीजन एंड नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ स्मोक, इसलिए कोई भी तरह का स्मोक करना बहुत ज्यादा हार्मफुल है और मैं इसको जरा भी रिकमेंड नहीं करता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैरिजुआना एक एक्सटर्नल एजेंट है किसी को भी खुश रखने के लिए। एंड दोस्तों आपकी हैप्पीनेस आपके खुद के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करनी चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल चीज पे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैरिजुआना के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट मत रहिए।